नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेशी अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में पहली बार हुआ जिन्हें एनपीए मिल रहा है वे डॉक्टर भी हड़ताल पर। सुक्खू बोले मामले पर बात करेंगे। निर्माणाधीन पुलों की जांच करेगा पीडब्ल्यूडी। 5 करोड़ से ज्यादा लागत के पुलों को बनेगी जांच समिति। जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने तैयार किया फायर मैपिंग सिस्टम। निर्धारित संख्या वाले डीनोटिफाइड स्कूलों की पहले समीक्षा करेंगे फिर खोल देंगे, बोले शिक्षा मंत्री। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव बने हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मंडी शराब कांड का सरगना से जुड़े उन्ना की नकली शराब मामले के तार। अब समाचार विस्तार से। एनपीए को लेकर हिमाचल के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टर रोजाना 1.5 से 2 घंटे की पैन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मसले पर दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिन डॉक्टरों को एनपीए मिल रहा है वे हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीए को बंद नहीं किया गया है बल्कि विथड्रॉ किया गया है। डॉक्टरों को इस नियम को समझना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। जब नए डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी तब वो एनपीए की मांग करेंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैं डॉक्टरों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपना काम कीजिए, आपको एनपीए मिल रहा है जब डॉक्टरों की पोस्टें निकलेंगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में निर्माणाधीन पुलों की जांच का फैसला किया है। विभाग की टीमें अलग अलग जिलों में पुलों की गुणवत्ता जांचेगी और पुल निर्माण में कोई खोट पाई जाता है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। ये फैसला बीते दिनों चंबा और हमीरपुर में हुए पुल हादसे के बाद लिया गया। इन दोनों जिलों में पुलों की गिरने की घटना हुई थी। घटनाओं की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। पुल गिरने की घटनाओं में तकनीकी खामियां उजागर हुई थी। यहां शटरिंग हटाते ही पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया था। चंबा में भरमौर और होली मार्ग पर 2 पुल गिरे थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जंगल में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील वनों को विभाजित करना बहुत अनिवार्य है। इसके तहत पंचायत और स्थानीय समुदाय के साथ पारस्परिक समन्वय और जागरूकता अभियान शुरू करना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए रैपिड फायर एक्शन टीम का भी गठन किया है। जंगल में लगने वाली आग की स्थिति में ये टीम वन विभाग को व्हाट्सएप के माध्यम से आग लगने की सूचना देगी। स्थानीय लोगों को जंगल की आग के दुष्प्रभाव और किसी भी आग की घटना की स्थिति में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार डीनोटिफाइड किए गए उन स्कूलों की समीक्षा करेगी और पुनः खोलने पर विचार करेगी जिनमें विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई थी। प्रदेश सरकार ने उक्त मानदंडों के आधार पर स्कूलों को डीनोटिफाइड करने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ स्कूलों में अब विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है, इसलिए समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है ताकि ऐसे स्कूलों को फिर से खोलने के लिए उचित निर्णय लिया जा सके। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मंगलवार सुबह राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित कई मंत्री एवं विधायक तथा गणमान्य उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में थे। जिला ऊना के भडाला में शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि पकड़ी गई अवैध शराब के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आरंभिक तौर पर रात को नाकेबंदी के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ी गई 45 पेटी अवैध देसी शराब के संबंध में पूछताछ के दौरान ही एक ऐसा नाम पुलिस के सामने आ गया जिसे सुनकर अधिकारियों के भी होश फाकता हो गए। दरअसल शराब तस्करी के आरोप में काबू किए गए दोनों आरोपी मोहित राजपूत और अश्वनी कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ये शराब गौरव मिन्हास नाम के व्यक्ति से हासिल की है। गौरव मिन्हास वही व्यक्ति है जो करीब 1.5 वर्ष पूर्व मंडी में हुए नकली शराब कांड का मुख्य सरगना रहा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।